दोस्तों, जो रोहित और विराट अपनी अपनी कप्तानी में नहीं कर पाए, हार्दिक पांड्या ने कुछ ही वक्त में जब से कप्तानी की कमान संभाली है उन्होंने कर दिखाया। यानी हार्दिक पांड्या ने नया चार नंबर का बल्लेबाज ढूंढ लिया है और वो कौन है, वो है तिलक वर्मा। मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा ने जो चार नंबर पर करके दिखाया, स्पेशली IPL 2023 में बहुत मेच्योरिटी के साथ चार नंबर पर बल्लेबाजी करी। वैसी ही बल्लेबाजी चार नंबर पर जो है करनी ही चाहिए और करी भी जाती है कि टीम को मुश्किल यानी कि खतरों से बाहर निकालने के। मतलब तिलक वर्मा की अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो ये वो खिलाड़ी है जिसने उधार के बल्लों से यानी कि उधार के बल्ले, टूटे हुए बल्ले को ठीक करके यानी बैट्स को ठीक करके खेला है और उसी से ही रनों का अंबार लगा दिया। इतना टैलेंटेड यहाँ पर ये खिलाड़ी है जिसको कदर है यहाँ पर क्रिकेट इक्विपमेंट्स की, क्रिकेट के सामान की, बल्ले बैट की कदर है। और वही एक खिलाड़ी है मतलब कि जिसके पिताजी को उनको के पास जो है खर्च करने के लिए तक पैसे नहीं होते थे, किसी से उधार लेने के लिए यहाँ पर उनको बहुत शर्म आती थी। यानी कि फिर उसके बाद यहाँ पर किसी को उधार नहीं चुकाया जाता था, कभी ले लिया हो उधार तो यानी कि जेब खर्ची तक के घर के जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं बेसिक, उसके लिए यहाँ पर घर पर पैसे नहीं थे, उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तिलक वर्मा को जो है अच्छी यहाँ पर क्रिकेटिंग कोचिंग देने में यहाँ पर उनको मुश्किलें होती थी पैसे जोड़ने में, जुटाने में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरों से यहाँ पर जो है उन्होंने उसको पार पाया है तिलक वर्मा ने, और बढ़ते गए और अब जाकर उनको जो इज्जत हासिल हुई है जो होनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, तिलक वर्मा की भी कुछ ऐसी कहानी है, रिंकू सिंह की भी कुछ ऐसी कहानी है। अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह को T20 टीम में मौका नहीं दिया गया, लेकिन दिया जरूर जाएगा एक ना एक वक्त में, यहाँ पर उनको कुछ ही वक्त में यहाँ पर दिया जरूर जाएगा, नजरें हैं सिलेक्टर्स की उन पर। लेकिन तिलक वर्मा की बात करो तो तिलक वर्मा का प्रदर्शन कमाल का रहा है, चाहे आप IPL 2022 की बात करो। IPL 2022 में तो उनका डेब्यू था मुंबई इंडियंस के लिए, तभी पता लग गया था कि तिलक वर्मा कितने हार्ड टैलेंट है, कितने ज़बरदस्त टैलेंट है, किस नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं। यानी चार नंबर पे वो ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं बहुत मेच्योरिटी के साथ। इस साल तो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ यहाँ पर तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी करी और लगातार उस चीज़ का तिलक वर्मा ने प्रदर्शन भी करके दिखाया है। पर लेकिन अगर आप इस साल IPL सीज़न की बात करो 2023 में तिलक की तो 11 मैचों में 343 रन, 42 के आसपास का उनका एवरेज रहा और 164 यानी 165 के आसपास का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा। 50 उन्होंने एक ही बनाया लेकिन छक्के उन्होंने 23 लगाए, तो एबिलिटी है। और टीम इंडिया के लिए बड़े फॉर्मेट में भी यानी कि लॉन्गर फॉर्मेट में भी इनके पास एबिलिटी है चार नंबर पर बल्लेबाजी करने की और अगला टीम इंडिया के लिए चार नंबर बनने की। बस तैयारी करवानी है सिलेक्टर्स को और मैनेजमेंट BCCI की, कैसे रोहित और राहुल द्रविड़ जो अभी फिलहाल के लिए हेड कोच और कैप्टन है, वो कैसे इनको जो है बढ़ावा देते हैं, कैसे इनकी तैयारी करवाते हैं उनके ऊपर है। लेकिन तिलक वर्मा एक फाइन टैलेंट है, इनको मौके मिलने चाहिए। हार्दिक ने बहुत अच्छा किया उनका नाम जोड़ के, और सिलेक्टर्स ने भी एक चीज़ बहुत अच्छी करी इस पूरे T20 स्क्वाड सिलेक्शन में कि तिलक वर्मा को मौका दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के बारे में और तिलक वर्मा को क्या भारतीय टीम का अगला चार नंबर का बल्लेबाज देखे जा सकता है उसके बारे में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में